वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास 12 मोस्ट वेलकम एलएफसीएस ऑनलाइन क्लास फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो इज कंटिन्यूड फ्रॉम विच पेज नंबर 3 आई हैव सिलेक्टेड टुडे यस्टरडे आई हैड समराइज्ड एंड एक्सप्लेन्ड आई थिंक 3 स्टैंजास टुडे वी हैव टू स्टार्ट From here, be attentive. Peter has to be retired. Fisherman in the old sea. This poem is going on. Today, you will start from here. Those who prepare grain wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, who put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. वे लोग जो prepare करते हैं grain war, जो युद्ध की तैयारी करते हैं युद्ध का कॉन्स्पिरेशन रेडी करते हैं षड्यंत्र करते हैं और वो वार दैट वार इज वेरी फ्लिसली हॉली वार पुरुषतापूर्ण होता है कैसा वार होता है गैस से युद्ध करना आग से युद्ध करना और के साथ युद्ध करते रहते हैं ऐसा युद्ध होता है ऐसी जीत होती है दे वांटेड टू गेट सच विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स पे कोई बचता नहीं है मोस्ट ऑफ द पर्संस डाई ऑन द स्पॉट मोस्ट ऑफ द पर्संस आर मर्डर्ड आर स्लेड देयर मारे जाते हैं और पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स क्लास इसीलिए जो साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे धारण करेंगे और अपने भाइयों के साथ चलेंगे हर समय छाया में भी भाइयों के साथ भी घूमते रहते हैं शैडो डूइंग नथिंग और कुछ भी नहीं करते कुछ भी नहीं करते Please stay here. बेटा इसका मतलब क्या हुआ ये तो समझो क्या कि वे लोग जो युद्ध तैयार करते हैं जो षड्यंत्र रचते हैं means different types of war mean war होते हैं ऐसे भाइयों की बात की जा रही है war कई तरीके से करते हैं गैस के साथ करते हैं आग सेवा के साथ युद्ध करते हैं मतलब फायर ऑन आतिशबाजी शूटिंग करना तमाम तरीके से बात की गई लेकिन इस तरह का जो विजय प्राप्त सोचते हैं क्या कि हम तो मार देते हैं चलो युद्ध करेंगे हम उनको मार देंगे मर जाएंगे हम बच जाएंगे बट ऐसा होता कहना है इन एनी वार नो वन इज सेफ कोई नहीं बचता है कोई सर्वाइव नहीं होता है All of them have to die. सबको मरना ही मरना होता है इसलिए ये वर्ड समझा रहे इस लाइन से कि अच्छे कपड़े पहनो साफ सुथरे कपड़े पहनो मीन्स इसका साफ सुथरा कपड़े पहनने के मतलब प्लीज कीप गुड थॉट गुड थिंकिंग गुड व्यू अच्छे विचार करो तो गुड माइंड अच्छे विचार अच्छे दिमाग धारण करो खराब दिमाग बिल्कुल नहीं खराब विचार दिमाग में कभी मत लाओ और एक भाई के तरीके से साथ साथ चलना चाहिए और सब घूमते रहेंगे What I want should not be confused मैं क्या चाहता हूं जो मैं चाहता हूं
पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, कि मैं कंफ्यूज ना हूं, भ्रमित होकर के समझना नहीं चाहिए। जो भी मैं चाहता हूँ उसको एग्जैक्टली करेक्टली राइटली समझना चाहिए, नॉट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज होकर के नहीं समझना चाहिए। टोटल इन एक्टिविटी, टोटल एक्टिविटीज इन एक्टिविटी निष्क्रियता के साथ नहीं सुनना चाहिए, कंसंट्रेट होकर के सुनना चाहिए। लाइफ है क्या? लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, इसी बारे में बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ नो ट्रक विद डेथ, अगर मेरी बात है, जीवन वही है जिसके बारे में यह होता रहता है, और मेरी चाहत बात है तो ट्रक विद डेथ, मृत्यु के साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, इकेरे दिमाग के नहीं होते हैं, तो माइंड को अगर हम लोग मोशनफुल बनाए, गतिशील बनाए रखने के लिए, हमें नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, संकीर्ण विचारधारा के नहीं होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, फ्रेश माइंडेड होना चाहिए, फॉर वंस गुड टू थिंग, और एक बार फिर साइलेंट रहना चाहिए। साइलेंट का मतलब कि हमें एक दूसरे पर कमेंट नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट कीप बैड थिंकिंग, और ह्यूज साइलेंस होना चाहिए। ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, सबके दुख खत्म हो जाएंगे, एक क्षण के लिए कुछ भी ना करें, और साइलेंस ही साइलेंस हो। लोग अपने आप को समझ नहीं पाते, अपने आप को धोखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, परहेज द अर्थ कैन टीच अस, आप अर्थ को ले लो, अर्थ हमें क्या सिखाती है, हमें सिखाती है, परहेज द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखाती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, तो सब कुछ डेड प्रतीत होता है, यूजलेस प्रतीत होता है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, सब कुछ बिल्कुल मृत प्रतीत होता है, लेकिन बाद में दैट इज प्रूव्ड अलाइव, वो जीवित सिद्ध होता है, जीवित तो सिद्ध होता है। ये अर्थ हमें सिखाती है, क्यों? देखिए यही अर्थ में बहुत सी चीजें जो हमको डेड दिखते हैं, लेकिन नहीं, दे गिव अस बेनिफिट्स, दे गिव अस प्रॉफिट्स, इट मींस दे आर अलाइव, दे आर बेनिफिशियल फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए वो लाभदायक है। दिस इज व्हाई द वर्ड सेज आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आपको शांत हो जाना और मैं चला जाऊंगा। तो 12 गिनने का मतलब क्या होता है ये भी समझो, तब तक शांत रहना है, मैं 12 गिनूंगा और सबको शांत रहना है। इट मींस वर्किंग टाइम ऐसे 24 आवर्स होते हैं डे एंड नाइट मिलाकर, तो कोई भी व्यक्ति होता है एनी पर्सन वर्क्स मैक्सिमम 12 आवर्स वर्किंग टाइम होता है, नॉट मोर दैट, करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आफ्टर दैट रेस्टिंग टाइम नाइट टाइम होता है। तो ये जो 12 तक की बात क्या लोग शांत रहेंगे, शांत रहने का मतलब यहाँ जो बताया जा रहा है क्या, इट मींस नो वन शुड कमेंट ऑफ एनी वन, नो वन शुड कमेंट, नो वन शुड कमेंट अदर रिलीजन, अदर लैंग्वेज, अदर बिहेवियर, अदर एटीट्यूड, नो, एवरीवन शुड मेक हिमसेल्फ वन सेल्फ इंगेज in own business, own trade, very peacefully, they should perform their duty. Thanks.
Have a nice trip. This red sunrise. Summary of this point.